नवंबर माह का वेतन न मिलने से नाराज संविदा पर तैनात विद्युत कर्मियों ने आज आजमगढ़ जिले के सिदारी स्थित हाईडील पर कार बहिष्कार कर विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि नवंबर माह का वेतन न मिलने की शिकायत हमने कई बार की, लेकिन अब तक वेतन नहीं मिला, जिसे थक हार कर हम लोग आज कार बहिष्कार कर धरनारत हैं। अगर 2 जनवरी तक वेतन नहीं आता है तो हम लोग इससे भी बृहद आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस मौके पर प्रवीण कुमार क्षेत्रीय सचिव, प्रेम कुमार गोयल क्षेत्रीय अध्यक्ष, राम दुलारी गुप्ता क्षेत्रीय सचिव, प्रिंस शर्मा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सहित काफी संख्या में संविदा विद्युत कर्मचारी उपस्थित रहे। क्या कहा क्षेत्रीय अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने, देखे हमारे इस खास रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार। सर, मैं जितेंद्र कुमार, SDO बिजली विभाग मुबारकपुर सब डिवीजन पंचम खंड डिवीजन और आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़। हम जो है कि विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत संविदा मजदूर संगठन के पदाधिकारी हैं और हमारे संविदा कर्मियों का वेतन जो है नवंबर का वेतन अब तक नहीं मिला है। आज 26 तारीख हो गया है, इसके पहले मैं नोटिस दिया था, 19 तारीख को भी नोटिस दिया था, उससे पहले भी 11 तारीख को नोटिस दिया था। आश्वासन मैंने दिया था कि मतलब नहीं मिलती है, तो आश्वासन अधिकारी दिए थे कि हाँ सैलरी दिला दी जाएगी, लेकिन कोई कार्रवाई हुआ नहीं। अब तक सैलरी नहीं मिली है, जिसके वजह से मजबूर होकर के जो है हम लोग को कार बहिष्कार करके यहाँ पे जो है ये धरना करना पड़ा। आज जो है कि अभी आश्वासन आलोक दुबे जो कंपनी के उड़ियन कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं, श्री आलोक दुबे ने आश्वासन दिया है कि बुधवार यानी 30 तारीख से सैलरी आनी शुरू हो जाएगी, तो 30-31 तक सबकी आ जाएगी। तो मैं एक को भी मौका दे रहा हूँ, 1 तारीख को जो है कि 1 जनवरी है, इसलिए मैं किसी को छेड़ना नहीं चाहता हूँ, तो 2 तारीख को जो है बृहद कार बहिष्कार होगा। यदि सैलरी नहीं आती है तो ईट सीट बजा दिया जाएगा। आप पूरे जिले में जो है कि सप्लाई यदि गड़बड़ होती है, उसके जिम्मेदार ओरियन कंपनी और प्रबंध तंत्र होगा।